चलो गाइस, तो लास्ट टाइम हमने ग्राफ स्टार्ट किया था और ग्राफ में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि जब भी वाई इज इक्वल टू कुछ भी डाल दोगे ना, आप लेट से एक्स के फंक्शन डाल दोगे, वाई इक्वल टू 3x 4x 7x 8x 8x+3, कोई लीनियर फंक्शन डालोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन डालोगे तो ग्राफ पैराबोला जैसा आएगा। मैंने आपको बताया था है ना, शेप बता दिया था, ऐसा शेप जो होता है वो एक काइंड ऑफ शेप, उसको नाम दिया जाता है, दैट इज पैराबोला है ना, राइट। अगर आपने लेट्स से वाई का कोई भी फंक्शन, कोई भी ऐसा रिलेशन डाल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उसको रिलेशन को एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन है ना, कि वाई और एक्स के बीच में आपने कोई रिलेशन दे दिया, या फिर उस रिलेशन को मैथमेटिकल टर्म होता है फंक्शन है ना, राइट। यस, तो अगर वाई को एक्स का एक फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया तो इसको ग्राफ बनता है, और ग्राफ प्लॉट करके कुछ ना कुछ कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो हमने ये देखा था कि क्यों ना हम वाई को हम साइन ऑफ एक्स डाल दे तो भी कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा है ना, और ग्राफ आएगा और देख लेंगे ग्राफ कैसा है, तो है ना, राइट। और उसका हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उसका हम ये देखते हैं कि वो ग्राफ के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो है ना, तो लेट अस सी। तो हमने एक यूनिट सर्कल लिया और एक यूनिट सर्कल की हेल्प से यहाँ पे एंगल जो है ना वो एक्स है, तो एंगल हमने एक्स ले लिया था इधर, याद करो, क्योंकि साइन के अंदर थीटा नहीं जा रहा है, अभी एक्स जा रहा है, तो ठीक है एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, क्योंकि वाई और एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना इसलिए हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स डाल दिया, ठीक है, वी पुट एक्स ओवर हियर, वन सेकेंड, एवरीथिंग इज ओके, राइट, रिकॉर्डिंग है, स्पॉटलाइट है, और सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है, राइट, इज एवरीवन एबल टू क्लियरली सी माय क्लिक सी माय वीडियो हियर भी प्रॉपरली, नो इश्यूज, राइट, फाइन, चल, यस। तो जब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, जब ये पॉइंट लेट्स से पी है, तो इस पी कोऑर्डिनेट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है, बस इतने के हेल्प से हम दोनों ग्राफ बना सकते हैं, किसका बोलो, वाई इक्वल टू साइन एक्स का भी और वाई इक्वल टू कॉस एक्स का भी। तो हम ये देखेंगे कि साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, राइट, वन सेकेंड, तो वी विल सी दिस कि हाउ साइन एक्स का ग्राफ इज ड्रॉन, ओके, चलो, तो साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो हमने ये देखा था कि चलो जब x की वैल्यू जीरो होगी है ना, x की वैल्यू जब जीरो होगी तो पॉइंट इधर होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है, और वैसे भी आपको पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, तो x इज जीरो तो y इज जीरो, तो वो पॉइंट को मार्क कर लिया। फिर x को थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है इस पॉइंट का, इफ यू ट्रेस दिस पॉइंट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज इंक्रीजिंग, तो यू विल एक्स सी के जब एक्स इंक्रीज करोगे तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक थोड़ा सा इंक्रीज पर आ जाता है, राइट, लेकिन कब तक, जब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री तब तक नहीं पहुंच जाती तब तक है ना, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाद देख रहे हो वाई कोऑर्डिनेट अपने पीक पे आ जाएगा, और पीक क्या है इसका, 0.1 है ना, राइट, 0.1 है ना, तो उसका पीक है 0.1, ओके, राइट, वो अपने पीक पे आ जाएगा, और पीक हो गया उसका 0.1। कोई अगर ये बोलना चाहता है क्या, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, कोई अगर ये बोलना चाहता है कि सर आपने 2 रेडियस का सर्कल लिया होता तो उसका हाईएस्ट पॉइंट 2 पे चले जाता, 0.2, तो वहां पे हम 2 मार्क करते हैं, 0 है ना, राइट, तो ये समझो कि गाइज अगर 2 रेडियस का सर्कल लिया होता ना तो वाई कोऑर्डिनेट भी 2 sin x होता है ना, राइट, है ना, ये लेंथ 2 हो जाती है ना, तो 2 cos x, 2 sin x, फिर 2 sin x को 2 से इक्वेट करेंगे फिर से 1 ही आएगा, है ना, तो वो स्मार्टनेस मत करना कि यहाँ पे यार सर 0.1 लिया, बड़ा सर्कल लोगे तो 2 आएगा, और बड़ा लोगे तो 3 आएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तो साइन का 3 भी हो गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट भी 3 sin x हो जाएगा ना, फिर अपने अपने 3 sin x = 3 से हाईएस्ट पॉइंट हमेशा 1 आने वाला है साइन का, तो ये हाईएस्ट पॉइंट 1 आ गया साइन का, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था कि जिस तरीके से ये स्मूथली इंक्रीज किया, क्योंकि सर्कल जैसा इधर है वैसा ही इधर है ना, वो वैसे ही स्मूथली डिक्रीज करेगा, वाई कोऑर्डिनेट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, कैन यू सी दिस, एंड देन द वाई कोऑर्डिनेट इज बिकमिंग 0, जस्ट प्लॉट इट ऑन वाई एक्सिस,
यू विल अंडरस्टैंड दैट वाई कोऑर्डिनेटर अरे बढ़ते बढ़ते गया और फिर उसके बाद कम हो गया है ना, राइट। अब कम वैसे ही डिक्रीज होगा जैसा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, तो हम अगर इसको ऐसा इंक्रीज करा रहे कुछ इस तरीके के शेप से, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक वे से ये डिक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो क्या हो गया गौतम, एनी डाउट? चलो है ना, ओके वेट। फिर उसके बाद हमने ये तो आपका हो गया। अच्छा ये पॉइंट कौन सा था बताओ, जब एंगल 90 डिग्रीज था ना, और मैंने ये रूल बता दिया था ग्राफ में कि ऑल एक्स मस्ट बी इन रेडियंस। ग्राफ का ये रूल होता है कि एक्स में हम सिर्फ रेडियंस ही लिखते हैं, ये रूल होता है ग्राफ का, बिकॉज डिग्रीज प्लॉट करना आसान काम नहीं है, है ना, राइट। डिग्रीज प्लॉट करना आसान काम नहीं, क्योंकि जीरो के बाद 90 पे प्लॉट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये पीक 90 पे आएगा, फिर 90 के बाद वॉल 80 पे आएगा दूसरा, है ना। इतने बड़े बड़े वैल्यूज प्लॉट करने से पाई बाई टू इज अ स्मॉल वैल्यू, पाई बाई टू की वैल्यू 1.57 होती है अप्रोक्सीमेटली, हम प्लॉट कर सकते हैं। ये वैल्यू कौन सी होती है फिर उसके बाद पाए, है ना, राइट। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन टू साइन एक्स, साइन एक्स विल, एक्स विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वाई कोऑर्डिनेट विल फर्दर डिक्रीज एंड बट इट विल बी नेगेटिव। डिक्रीज हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट देखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है आपको, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव की पीक पे पहुंच जाएगा एक और 90 डिग्री के बाद, है ना। Y coordinate is going to be more and more negative and it is going to reach the peak of being negative at ये pi हो गया 0 pi by pi pi और ये angle, ये point कौन सा होगा पता है, 3 pi by 2। Are you guys understanding this? 3 pi by 2 कैसे आया, 270 degrees, pi by 2 into 3 है ना, दो तीन pi by 2 अभी चले गए ना, pi by 2 90 degrees होता है, अभी 3 pi by 2 have 3 pi by 2s have passed, pi by 2 pi by 2 pi by 2. उसके बाद यहाँ पे 4 pi by 2 ले लो या 2 pi बोल दो, है ना, राइट। उसके बाद ग्राफ है ना वापस से इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होकर y कोऑर्डिनेट देखेगा, y कोऑर्डिनेट को नोटिस करो वो जीरो आ रहा है ना, फिर ये करते 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 y कोऑर्डिनेट फिर से जीरो हो गया, है ना, तो ग्राफ ऐसा आ गया। फिर देखो गाइस ये 2 pi वैल्यू है, फिर उसके बाद सपोज आपने 2 pi से कोई भी बड़ा एंगल लिया, सपोज ये एंगल लिया, तो कहानी वही होगी ना जब से जीरो से स्टार्ट हुई थी, कि अब वो जीरो पे पहुंच गया, तो सेम कहानी होगी जैसे जीरो से स्टार्ट हुई थी, राइट गाइस। तो अभी मैं, अच्छा आप देखो ग्राफ भी एकदम सिमेट्रिक होता है, ऐसा नहीं कि ये बड़ा और ये छोटा होता है, ठीक है, राइट। तो एकदम सिमेट्रिक ग्राफ ये 3 पाई बाई 2 होगा, और 2 पाई के बाद वापस से सेम ग्राफ आने वाला है। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये 2 पाई के बाद मैंने सेम ग्राफ क्यों बनाया वापस, समझ में आ रहा है ये कि ग्राफ वापस सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि 2 पाई के बाद वापस से वही सर्कल को ट्रेस कर रहा है पी पॉइंट, और फिर से उसका वाई कोऑर्डिनेट के साथ वही होने वाला है जो जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो जैसा ऐसा बना था ना, तो इधर भी ऐसा ही बनेगा, समझे, 2 पाई के बाद भी, ठीक है, राइट। तो 2 पाई के बाद भी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, फिर उसके बाद ऐसा चलते ही जाएगा आगे ना, इट विल नॉट स्टॉप, है ना। तो इफ आई वांट यू टू मार्क सर्टेन पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई 2 व्हिच इज द पीक। उसके बाद जब वो डिक्रीज करके आता है, तो डिक्रीज करके आता है, तो दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस वैल्यू इज 2 पाई, सो दिस ग्राफ विल नेवर एंड, यस यस, है ना, क्योंकि एक्स कैन बी एनी एंगल, यू कैन टेक एज बिग एक्स एज पॉसिबल, 360 का कोई भी मल्टीपल आप एक्स का ले सकते हो, समझ में आ रहे हैं, 360 का कितना भी बड़ा मल्टीपल ले सकते हो, पॉइंट इधर ही आएगा, 90 into 4 plus theta, 90 into n plus theta, n कितना भी बड़ा हो जाए, किसी ना किसी quadrant में तो आएगा ही, और उसकी value तो आएगी, है ना, 90 into 1000347, कुछ भी डाल दो यार, कितना भी बड़ा number डाल दो 2, अब ये number के finally तो क्या देखोगे कि ये number 4 से divisible है कि नहीं है, है ना, wait negative को बताता हूँ, है ना, 4 से divisible देखोगे, तो 4 से डिविजिबल तो इधर ही एंड होगा, फिर 2 है 22, तो इधर एक और इधर एक, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट प्लस थीटा है, तो आपको कितना भी बड़ा है नंबर आपको मैं दे दूं, कितना भी बड़ा एंगल दे दूं, आप उसको क्वाड्रेंट तो निकाल ही लोगे, और अगर जो क्वाड्रेंट निकल गया तो उसका साइन भी निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, यस।
अब हाँ तो ये 2π, let us mark this point also guys, ये सब points mark कर लो, है ना, ये सारे जो peaks है वो same ही है ना, क्योंकि हम repeat कर रहे graph को, है ना, we are repeating the graph, तो all the peaks are same of the same height on y axis, ठीक है, right, but they are happening at different different points on x axis, एक peak π/2 पे आया है, you know, can you guess what is the next peak, where is the next peak? 0, 1π/2, 2π/2, 2π/2 को π लिखा, 3π/2, 4π/2, 4π/2 को 2π लिखा, ये हो जाएगा 5π/2, 6π/2, which is 3π, 7, ये फिर ये वैली होगी 7π/2, और 8π/2, यानी 4π, guys, are you understanding this? Great, very nice. इसके बाद देखो, यानी just look at this guys, इसके बाद हम क्या करेंगे, we will plot the graph of negative side. अब negative side का logic ये होगा, ठीक है, right, कि एक, अब देखो सीधी सी बात है, जब graph अगर आप को ऐसा ही vary करोगे और ऐसा vary करोगे, एक तो ये smooth curve है ना, तो इसको उल्टा आप ट्रेस करोगे तो ये ऐसा आ रहा है, अब इसके बाद नीचे जाना चाहिए ना, ऑफ कोर्स उसके बाद तो नीचे जाना चाहिए, राइट, इसके बाद तो नीचे जाना चाहिए, तो नीचे जाएगा, और जब जैसे पॉजिटिव में कंटिन्यू हुआ है वैसे ही नेगेटिव में कंटिन्यू होगा, है ना, इसका मेन लॉजिक जो दिस एक्चुअल लॉजिक है ना, जैसा ग्राफ है ना ये करना है, उसका मेन लॉजिक ये है, मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव में कैसे बनाना, नेगेटिव में बनाने के लिए मैंने एक्चुअली ये यूज किया कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, मैंने ये यूज किया नेगेटिव में बनाने के लिए, कैसे पता है, देखो ध्यान दो इधर, है ना, सपोज पाई बाई टू पे वैल्यू वन है ना, राइट, इसको देख के बोलो पाई बाई टू पे वैल्यू वन है तो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होनी चाहिए साइन की, माइनस पाई बाई टू पे बोलो माइनस 90 डिग्री पे, माइनस वन ना, राइट, है ना, राइट, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस फाइव, बोलो ध्यान से बोलना, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस फाइव, आंसर आंसर है ना, नहीं है, कॉस फाइव, कॉस फाइव, कॉस ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू कॉस फाइव ही होगी, और कॉस फाइव माइनस वन होता है ना, राइट, तो और लेकिन व्हाट इज साइन ऑफ माइनस पाई, विच इज इक्वल टू माइनस साइन पाई, और साइन पाई जीरो होता है तो जीरो आ गया, और व्हाट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, माइनस साइन पाई बाय टू, विच इज साइन पाई बाय टू वन होता है तो माइनस वन आ गया, तो बेसिकली हमने ये देखा एग्जाम्पल से कि भाई अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो ना तो उसका आंसर वो आता है जो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव आता है, मतलब आपको 90 माइनस 90 पुट करोगे ना वैल्यू, माइनस 90 माइनस पाई बाय टू पुट करोगे ना, तो जो पाई बाय टू पे वैल्यू आई थी ना उसके एग्जैक्टली नेगेटिव आने वाली, क्योंकि ये साइन है कॉस नहीं है, तो आंसर माइनस वन आने वाला है, अगर आपने कोई 30 डिग्री पुट किया, अच्छा मुझे बताओ गाइज प्लीज पे अटेंशन, जीरो और पाई बाय टू, ये जीरो और 90 है, बहुत जल्दी देखो यहां से यहां तक आप 90 पे भी पहुंच गए, है ना, ये जीरो एंगल है, 90 एंगल है, 180 एंगल है, जस्ट इमेजिन, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब इनके बीच में आ जाएगा ना कहीं पे भी, है ना, ये सब इनके बीच में आएगा ना कहीं पे भी, है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं, पाई बाई सिक्स होगा कि नहीं, क्योंकि पाई बाई टू इधर है तो पाई बाई सिक्स तो पीछे ही होगा, है ना, पाई बाई सिक्स पे उसकी वैल्यू हाफ होगी, साइन पाई बाई सिक्स, है ना, पाई बाई सिक्स पे वैल्यू हाफ होगी, तो माइनस पाई बाई सिक्स पे वैल्यू माइनस हाफ भी दिख रही है, देखो लग रहा है ना क्लियरली ग्राफ को देख के माइनस पाई बाई सिक्स पे वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है, क्योंकि साइन माइनस पाई बाई सिक्स इज नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाई सिक्स विच इज माइनस हाफ, परफेक्ट है ग्राफ, है ना, तो नेगेटिव में इसी तरीके से एडवांस करेगा ग्राफ, है ना, ये ऐसा, ये वैल्यू माइनस पाई, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस 3π/2, ये वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस 4π/2 यानी 2π माइनस 2π एंड सो एंड सो ऑन, are you guys understanding this graph, okay, ठीक है, right, अब इस graph के बारे में ना कुछ चीजें सीख लो, ठीक है, right, है ना, तो हमने ये देखा y is equal to sin x का जैसा graph बनाया वो एक never ending graph है, ठीक है,
हैज इट्स अपर लिमिट इक्वल टू वन एंड लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस वन. इज दिस क्लियर? साइन एक्स की अपर लिमिट वन है और लोअर लिमिट माइनस वन है, ये तो क्लियर है ना. अपर लिमिट लोअर लिमिट का चक्कर समझ में आ गया. तो कैन आई से कि देयरफॉर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट गाइस? ये आप लोग को सबको समझ में आया क्या? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं. इतने पार्ट पे बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री बस. साइन की रेंज क्या होती है, साइन की पहुंच कितनी है, साइन एक्स का ग्राफ मतलब साइन एक्स की वैल्यू कहां तक जा सकती है, बस माइनस वन से वन तक. माइनस थ्री या माइनस फोर ये सब वैल्यूज नहीं लेता है ना. ये थ्री फोर फाइव सिक्स यू कैन नॉट से साइन एक्स इज इक्वल टू टू हैज, यू कैन से हैज नो सॉल्यूशन. मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स इज इक्वल टू टू. एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसे रियल नंबर्स ऑफ कोर्स जिसका साइन ऑफ टू ले रहे हैं ना. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना हम तो वो भी मैं बता दूंगा आपको कि साइन एक्स इज इक्वल टू टू कैसा होता है. तो आई विल शो यू दैट, ठीक है, बट नॉट राइट ना. उसके लिए थोड़ा आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा काफी, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है ना. तो साइन एक्स इज इक्वल टू वन अभी ट्वेल्थ में पढ़ते हैं इस टाइम पे. साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन जब होगी ना तो हाँ सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए माइनस वन से वन होता है. ठीक है, ठीक है. इसका मतलब क्या है देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये पूरी चीज का मतलब ये है, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ना. वट एवर मे बी द इनपुट of sign, the output is always in minus one to one. Are you guys understanding this? जो भी input होगा ना output तो हमेशा minus one से one के बीच में ही होगा. That is, और इस output को हम एक नाम देते हैं, that is called range. Output has a name which is called range. ये जो range है ना वो function का हिस्सा का part होता है, वो बाद में पढ़ेंगे है ना. लेकिन range का मतलब अभी easily digest कर पा रहे हैं ना कि sine की पहुंच कहाँ तक है. y axis पे ऊपर तक उसकी वन तक पहुंचे और नीचे तक माइनस वन तक पहुंचे. इस पहुंच को ही मैंने एक sophisticated नाम दिया हुआ रेंज. द रेंज ऑफ साइन एक्स इज माइनस वन टू वन. चलेगा ये है ना. इसी स्टेटमेंट को मैं ये बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ साइन एक्स इज माइनस वन टू वन है कि नहीं करेक्ट गाइस? ओके राइट. तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना. यहां लिखता हूं व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स. गाइस बोलो जल्दी बोलो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स. माइनस थ्री से थ्री है ना. नहीं देखो माइनस थ्री से थ्री नहीं, माइनस वन टू वन है ना. राइट, यहाँ पर क्लियरली मैंने बोल दिया हो कि साइन जब दिख रहा है ना साइन के अंदर कोई भी इनपुट डाल दो आप है ना. साइन के अंदर कोई भी इनपुट डाल दो आपका आंसर माइनस वन से वन के बीच में ही आने वाला है साइन के अंदर है ना. राइट, एज लॉन्ग एज इट इज साइन ऑफ एक्स है ना. राइट है ना. राइट, तो बेसिक क्योंकि ये इनपुट है ना वो इनपुट इज गोइंग टू चेंज योर एक्स, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर वाई. समझ में आ रहा है? चेंज आपने एक्स में किया है ना. जब तक आप वाई में चेंज नहीं करते तब तक आप कोई रेंज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चेंज. ठीक है राइट. तो इसी टाइप के अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसी के बेसिस पे. लेकिन अभी हम थोड़ा कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑल्सो. Arrange in increasing order. Arrange in increasing order. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. वन फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ 1 डिग्री, साइन ऑफ 2 डिग्री, साइन ऑफ 3 डिग्री,
ये एक थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। बी क्वेश्चन आपको करना है साइन ऑफ वन, साइन ऑफ टू, साइन ऑफ थ्री, साइन ऑफ फोर, साइन ऑफ फाइव, साइन ऑफ सिक्स और साइन ऑफ सेवन। अच्छा डिग्रीज नहीं लिखा हो मैंने इधर, आई हैव नॉट सेड इट इज डिग्रीज, है ना, आई हैव नॉट सेड इट इज डिग्रीज, इट इज ऑल इन रेडियंस। एक दूसरा रेंज वाला पार्ट मैं वापस बताता हूँ, ओम साइन एक्स की पहुंच नेगेटिव में -1 तक है, पॉजिटिव में 1 तक है, तो कहना है कि साइन एक्स की पहुंच सिर्फ -1 से 1 तक ही रहेगा, है ना, राइट। आप एक्स को कुछ भी पुट कर दो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो हम इसी उसी को रेंज उसी जो ये जो है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट उसको रेंज बोलते हैं। द रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, है ना। और हमने ये पढ़ा इधर कि एक्स में कुछ भी डाल दो, वॉट एवर मे बी द इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज -1 to 1। साइन के अंदर 3x हो 4x हो, व्हाट इज द रेंज ऑफ, गाइस टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस 11, बोलो -1 to 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना सर। लेकिन कब तक वैलिड होता है ये, मतलब क्या? ओम व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी, या फिर जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, बोलो पूछना क्या चाहते हो, बोलो ओम बोलो। ठीक है चलो, ये जो क्वेश्चन है ना वो देख लो कर लो, आई जस्ट कम बैक इन 5 मिनट।
ओके चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। नहीं श्रेया नहीं, बहुत लोगों ने आंसर दिया है बट ठीक है मैं आपको बताता हूँ। चलो लेट मी सेंड दिस फोटो ऑन द ग्रुप फर्स्ट। तो इस दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें साइन के ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट मैं ये नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए। मुझे बस पहले क्वेश्चन को तीन ही पॉइंट्स मार्क करने गाइस। अब देखो सीधी सी बात है, साइन का ग्राफ बनाओ, इसी ये क्वेश्चन इधर है और सॉल्व मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है राइट। आप लोग साइन का ग्राफ बनाओ थोड़ा बड़ा काफी है, ठीक है। नाउ गाइस लुक एट दिस, ठीक है ये थोड़ी पीक थोड़ी बड़ा, चलो ठीक है ताकि ऐसा लगे सेम है ना राइट। तो ये हाइट और ये हाइट एक्चुअली दोनों सेम है एंड दिस बोथ आर इक्वल टू वन, और ये जो बेसिकली जो लोअर मोस्ट वैल्यू है वो माइनस वन है। ओके गाइस नाउ लुक एट दिस, एंड जो लोग ये अभी श्रेया आपने जो आंसर दिया ना साइन वन सबसे छोटा फिर टू राइट राइट, श्रेया आपका जो आंसर है इट इज कम्प्लीटली वैलिड व्हेन एक्स इज इन वन टू थ्री जो नंबर है वो डिग्रीज में है ना। यस प्रशांत फाइव फोर सिक्स है ना, मुझे वन टू थ्री का आंसर बताओ, बस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, साइन वन और साइन टू और साइन थ्री का, ठीक है बस साइन वन और साइन टू और साइन थ्री के आंसर्स आप लोग पोस्ट करो तो मैं समझूंगा। यस गौतम हाँ बस नंबर्स टाइप करो, थ्री वन टू वन टू थ्री जो भी टाइप कर रहे हो। यस वेरी गुड थ्री वन टू ना हाँ। अभी देखो गाइस है ना ये सबसे छोटा एंगल एक्चुअली थ्री होगा, साइन थ्री होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा। अभी कैसे जज कर सकते हैं ना इसको देखो राइट right. मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बोला हो कि वन और टू और थ्री डिग्रीज मैंने ये मार्क किया, मैंने अब आपको डिग्रीज नहीं दिया हो, अब आपको रेडियन में दिख रहा हो है ना राइट। तो वन रेडियन दिया हो, टू रेडियन दिया हो और थ्री रेडियन दिया हो है ना राइट। गाइज लुक एट दिस वैल्यू, तो ये सब वैल्यूज ये सब चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि भाई साहब ये वैल्यू किधर है, ये वैल्यू आपकी पाए बाय टू है और ये वैल्यू आपकी पाए है। तो गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि पाई कितना होता है, 3.14 के आसपास होता है ना, और पाई बाय 2 कितना होता है ना, ये आप लोग ध्यान रखना, पाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57 और पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। अप्रोक्सीमेशन के लिए ध्यान रख सकते हो, यूज कहीं नहीं करना है आपको है ना, इसको यूज कहीं नहीं करना है ना राइट। बट आप ये तो बोल सकते हो ना, इतना तो अंदाजा लगा सकते हो ना इससे कि ये जो 3.5/2 है ना वो 1.57 होगा और 1 कहीं इधर होगा और 2 कहीं इधर होगा, यस और नो है ना, 1 इधर होगा और 2 इधर होगा और 3 भी इधर ही होगा गाइस, समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो पाई से तो छोटा ही होगा ना, वो तो श्योर है 3.1 से तो छोटा ही होगा है ना। तो बस यही करना है आपको कि एक्स एक्सिस पे आपको रेडियन में मार्क करना है, क्योंकि ये पाई बाई टू और पाई रेडियंस में ही थे तो आपको 1, 2, 3 भी यही पे कहीं मार्क करना है। 1 पाई बाय 2 के पहले मार्क करोगे क्योंकि पाई बाय 2 1.57 होता है, 1.57 यानी पाई बाय 2 के बाद 2 आएगा फिर उसके बाद 3 आएगा और फिर बाद में पाई आएगा। तो 3 को आप इधर प्लॉट मत कर देना, गलती से नीचे प्लॉट मत कर देना, ठीक है राइट ठीक है। तो अब मुझे देखना है ये कि साइन 1 साइन 2 और साइन 3 में कौन बड़ा है। एक चीज तो अनडिस्प्यूटेडली आप बोल सकते हैं कि भाई साहब साइन 2 और साइन 3 में साइन 2 बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं गाइस ग्राफ से बोलो, साइन 2 और साइन 3 में, क्योंकि यार देखो ये 2 है और उसके आगे जाओगे तो 3 आएगा और उसके आगे ग्राफ तो डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे दिख रहा है। किसी को डाउट कि साइन 2 और साइन 3 में डिक्रीजिंग नेचर दिख रहा है ग्राफ का, ये वाले पार्ट में है तो डिक्रीज होगा, अब डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है साइन 3 की वैल्यू जो है, साइन 3 की जो वाई वैल्यू है, वाई वैल्यू ग्राफ पे छोटी है राइट। अब द ओनली क्वेश्चन इज
वन और टू का क्या करूं? देखो वन को मैं इसके ऊपर प्लॉट करूं मतलब वन की वैल्यू, या वन साइन टू के नीचे प्लॉट करूं? अब सुनो इसको, देखो ये है आपका पीक, ये पीक वाले लॉजिक से करना ठीक है, ये पीक लॉजिक से करना ठीक है, राइट? तो कंपेयर बिटवीन साइन वन एंड साइन टू, जस्ट कंपेयर द पीक वाला लॉजिक ठीक है। मुझे बताओ ये है आपका पीक, पीक कौन से पॉइंट पे है गाइस? 1.57 के आसपास है ना, आसपास मतलब बहुत ही क्लोज, ऐसा नहीं 1.57 का 1.6 हो जाएगा, नहीं। आर यू एबल टू सी दिस, कि ये जो पीक है वो 1.57 के आसपास है ना, और ये पीक से ना एकदम सिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, मतलब पहले इधर भी और उधर भी एकदम सिमेट्रिकली दिख रहा है ग्राफ, ओके राइट। अच्छा इसका मतलब ये है कि जो पीक से जो ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा गिर जाएगा ना नीचे, समझ में आ रहा है? इतनी कहानी, इस पीक से मैं थोड़ा ज्यादा दूर गया इधर और यहाँ पे कम दूर गया तो ये वैल्यू ज्यादा गिर जाएगी ना, लेट्स से दिस, ये समझ में आ रही है ना, है ना? ओके तो मुझे बताओ ये पीक से 1.57 से कौन ज्यादा क्लोज है, वन या टू? सीधी सी बात है यार, 1.57 से कौन ज्यादा क्लोज है, वन या टू? यार बोलो, 1.57 से ऑफकोर्स टू बड़ा है ना, मतलब टू क्लोजर है ना, तो पीक से अगर टू क्लोजर है और वन थोड़ा सा दूर है तो वन में ज्यादा फॉल हो जाएगा और टू में थोड़ा कम होगा। अच्छा अभी ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वन में इतना ज्यादा फॉल हो गया कि थ्री से भी छोटा, अब नहीं है ना, क्योंकि आप देखोगे ना पीक से थ्री बहुत दूर है, 1.57 से थ्री और 1.57 से वन, इसमें थ्री बहुत दूर है तो थ्री में बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन वन में उतना फॉल नहीं होगा बट ज्यादा होगा, 1.57 से 2 में जाओगे तो थोड़ा फॉल तो होगा बट 1.57 से 1 जाओगे तो थोड़ा ज्यादा फॉल होगा, इसीलिए आप ये बोलोगे कि ये है आपका 3 पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये पीक का सिर्फ थोड़ा सा हेल्प ले लिया आपने बट ये आपके 3 पॉइंट्स है। अब इस 3 पॉइंट्स की हाइट को देख के बोलो, है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो साइन वन होगी, है ना, राइट? तो आप क्लियरली फर्स्ट आंसर दे सकते हो। ये सबसे बड़ा तो साइन ऑफ टू है, फिर उसके बाद साइन ऑफ वन है, अच्छा मैं डिक्रीजिंग बोल कर दिया, चलो ठीक है डिक्रीजिंग कर दो, क्या पता है, साइन ऑफ थ्री है मैंने, राइट? आप लोग इंक्रीजिंग कर देना, हमें डिक्रीजिंग करो, 2 1 3 या 3 1 2 बोलो इंक्रीजिंग में, ठीक है राइट? मैंने डिक्रीजिंग कर दिया ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ओके, उसको उल्टा लिख लेना तो बताएंगे ओके। इसी लॉजिक पे थोड़े से ज्यादा नंबर्स को देखते हैं, ठीक है, मजा आएगी अभी, ठीक है देखना हमें, ठीक है। हमें थ्री ये वैल्यू पाए हैं गाइस, ये वैल्यू पाए हैं हमें थ्री से पाए, और इससे कोई मतलब नहीं है। नाउ अदर्स दिस काइंड ऑफ नंबर्स विल आल्सो कम इन प्ले, दिस वैल्यू इज 3π/2 एंड दिस वैल्यू इज 2π, गाइस 2π मतलब कितना हो गया, है ना, 2π अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 6.28। अच्छा गाइस मुझे ये बताओ 3π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 3π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? अभी 1.57 को थ्राइस कर दो, 1.57 को थ्राइस कर दो तो आ जाएगा 4.5 और 2.1 4.7 अप्रोक्सीमेटली, क्लियर? ये यस राइट, तो ये अप्रोक्सीमेशन से हम काम चलाने वाले हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पीक से क्लोज कौन है दूर कौन है ना, एग्जैक्टली दूर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन ज्यादा दूर है कौन ज्यादा पास है बस बता देते हैं, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन काफी है ना। दिस आर द ओनली वेज भाई यू आर गोइंग टू यूज अप्रोक्सीमेशन, जब आपको अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ही बताना है तभी हम करेंगे, है ना राइट? एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं है आपको, है ना राइट? तो लेट अस सी दिस। अच्छा फोर बताओ, अब साइन वन और टू और थ्री तो प्लॉट कर दिया ना, ये आपका वन है, ये आपका टू है, ये आपका थ्री है, लेट अस सी वेयर फोर विल कम। फोर फोर तो पाई के बाद आएगा ना गाइस, है ना राइट? इसकी वैल्यू कितनी अप्रोक्सीमेटली 4.71, तो फोर तो कहीं इधर आ जाएगा, है ना? फोर को मैं इधर प्लॉट कर सकता हूँ गाइस, क्लियर समझ में आ रहा है? दिस इज फोर, क्योंकि पाई के तो बाद आएगा, अच्छा 3π/2 के पहले आएगा, है ना, क्योंकि 4.7 के 1 के तो पहले ही आएगा ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। अच्छा 5 की बात करता हूं मैं, तो ये पीक के बाद आएगा, है ना राइट? नाउ ये बताओ ये पीक किससे ज्यादा क्लोज है,
फाइव से के फोर से, ये जो लोअर पीक है फाइव से, 4.71 से फाइव बहुत क्लोज हो गया ना, और 4.71 से फोर थोड़ा दूर हो गया बेसिकली, तो ये अगर फोर है तो मैं इसको फाइव बोलूंगा, किसी को ऐसा डाउट है? सॉरी इधर इधर एक्स एक्सिस पे फाइव मार्क करोगे, इनपुट है ना, इनपुट ऑफ सारे एक्स वैल्यूज होते हैं है ना, राइट, तो मैं एक्स एक्सिस पे फाइव मार्क करूंगा। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने फाइव मार्क कर दिया, ओके ये हो गया फाइव। अब इसके बाद मुझे बताओ सिक्स करना है, सिक्स 2π के तो पहले ही करूंगा ना मैं, 2π तो 6.28 होता है, अभी 2π के मैं पहले करूंगा, यस वेरी नाइस, बट मुझे बताओ 2π के पहले करूंगा तो मैं 6 आगे प्लॉट करूंगा, अभी मैं 4 इसके दोनों के बीच में करूंगा, इसके भी और क्लोज करूंगा, वो देखना है ना, ऐसे बहुत इजीली देख सकते हो, बट ठीक है। अब ये पीक है ना, 4.71 से 4 क्लोजर है कि 6 क्लोजर है? ऑफकोर्स 4 क्लोजर है, तो 4 इधर जा रहे हो तो 6 को थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं 6 होगा, समझ में आया? मतलब अकॉर्डिंगली हाइट्स के हिसाब से देख लो, ये तीन आपको और पॉइंट्स आ गए, ग्रेट, और ऑर्डर काफी दिख गया, 1 2 3 4 5 6 के बीच का ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अभी 7 की बात करते हैं, गाइस 7 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर, 2π के बाद होगा 7, 2π के बाद होगा है ना, अब 2π के, अच्छा मुझे गाइस ये बताओ 7 का इन तीनों के साथ तो कंपैरिजन नहीं है, 7 का कंपैरिजन इन तीनों के साथ है, यस और नो गाइस बोलो, है ना, 7 का कंपैरिजन मेरा इन तीनों के साथ है, तो कैसे कंपेयर करूं यार 7 को, बताओ बोलो। पीक, ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट पीक, मैंने क्या बोला था, ऑलवेज अप्लाई पीक लॉजिक है ना, राइट, टू कंपेयर, ये थॉट प्रोसेस है, इसको लिख लो, तो कंपेयर अप्लाई पीक लॉजिक, ये मेरा लॉजिक है, ऐसा कोई ऑफ कोर्स कोई बुक में नहीं है, पीक का लॉजिक लगाओ, पीक की थोड़ी सी वैल्यू लिखा लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है गाइस, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, ये 5/2 है, 3/5/2 है, तो ये 5/5/2 होने वाला है ना गाइस, 5/5/2 की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली बोलो, पीक से बेस्ट हो जाता है, ठीक है, 5/5/2 की वैल्यू कितनी होगी देखो, इसको 5 करोगे ना तो आ जाएगा 7.85, वेरी गुड 7.85, तो ये वैल्यू 7.85 है। अब 7.85 से तीनों का फॉल देख, मतलब सॉरी इसका फॉल देखो किसका है और इसका फॉल देखो, ठीक है राइट, ये 1.57 से फॉल हुआ है तो ये 0.7 का फॉल है, समझ में आ रहा है लॉजिक, मैं ऐसा कोई मैथमेटिकल तो हम नहीं यूज कर रहा एकदम नहीं है ना, तो यहाँ से कितना गिरा 1.57 का फॉल है, क्योंकि दोनों पीक तो सेम ही है ना, ग्राफ तो सेम ही है, ग्राफ बस थोड़ा आगे है, तो ये 1.5, ये 0.57 का है और ये 7.85 है, तो ये ज्यादा फॉल हो गया एक्चुअली, इससे ज्यादा फॉल हुआ है ना ये, राइट, क्योंकि ये 1.57 है और ये 1 है, तो ये 0.57 का फॉल है और ये आपका है 7.85 और ये 7 है, तो ये ज्यादा फॉल है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इससे भी नीचे आएगा, बट इतना फॉल देखोगे तो 1.57 से 3 काफी बड़ा फॉल हो गया, so it is going to be somewhere between this and this, 7 is going to be somewhere between this and this, are you guys understanding this, maine 7 ko kaise plot kiya tha, mujhe dekhna hai fall kitna ho raha hai na, right, this is a very important logic by which you can draw the graph, abhi v mein bhi decreasing karta hu main, chalo which is the highest point that you can see on the graph, highest, highest is still 2, wow, right, sine of 2, can you see this, highest is still 2, उसके बाद आता है greater, ये आएगा sine of 1, right, अच्छा उसके बाद अचानक से sine of 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 के और इसके बीच में 7 है, और फिर उसके बाद आएगा sine of 3, decreasing कर रहा हूँ मैं, right, ये 4 हो गए और बाकी 3 तो negative में है, और फिर इससे बड़ा जो होगा है ना, राइट, उसके बाद क्या होगा, चलो बी का आंसर इधर प्लॉट कर, इधर लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2 ग्रेटर देन साइन ऑफ 1 ग्रेटर देन साइन ऑफ 7 ग्रेटर देन साइन ऑफ 3 इज ग्रेटर देन, ये 4 तो हो गए, उसके बाद ये, उसके बाद हाइट वाइज सबसे क्लोज ऊपर दिख रहा है 4, तो साइन ऑफ 4 आएगा, उसके बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है नीचे बोलो, अच्छा ये सॉरी मैंने ये पॉइंट को नहीं करना था, डॉट इन दोनों को करना,
हाँ तो फिर फोर नहीं आएगा ना, साइन ऑफ ये पॉइंट आएगा ना, साइन ऑफ सिक्स आएगा, फिर साइन ऑफ फोर आएगा, और फिर लीस्ट वैल्यू साइन ऑफ फाइव होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर? समझे? यस आई विल एक्सप्लेन फॉर सेवन। देखो मैंने क्या बोला था, कभी आपको कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा है तो पीक का लॉजिक अप्लाई करो। ये पीक 5.5/2 है, वो 7.85 पे, तो ये पीक है 7.85 पे। ये पीक से कितने का फॉल हुआ यहाँ तक? यहाँ से यहाँ देखोगे ना, 7.85 से इधर जाऊंगा तो 0.85 का फॉल दिख रहा है ना। अब उसको हमें कंपेयर करना है इन तीनों से ना, तो वो देखते हैं। इस पीक से यहाँ का फॉल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1.57 से 3 हो गया, तो ये काफी नीचे हो जाएगा ना। इस पीक से 1.57 से 2 का फॉल बहुत ही कम है, तो ये तो ऊपर ही रहेगा। इस पीक से 1.57 से 1 का फॉल 0.57 का है, वो भी इससे ज्यादा का फॉल है, क्योंकि ये तो सॉरी कम, तो ये तो 0.85 का फॉल हो गया और ये 0.57 का फॉल हो गया। समझ में आ रहा है? राइट, क्योंकि 1.57 है और ये 1 है। 1.57 से 1 जाने में जितना फॉल होगा, वैसा 7.85 से 7 में जाने में ज्यादा फॉल हो जाएगा ना, तो इसके तो नीचे आएगा, बट ये बहुत ज्यादा गिर गया है तो इसके ऊपर आएगा, इसीलिए मैंने प्लॉट कर दिया। यही लॉजिक लगाना पड़ता है। इस लॉजिक को मैंने इन शॉर्ट बोल दिया पीक लॉजिक, क्योंकि ग्राफ हमेशा साइन का नहीं आएगा और ग्राफ पे हमेशा कुछ भी वैल्यू बना है। आई कैन गिव यू 3.5 और 4.3 को भी कंपैरिजन करने बोल सकता हूँ साइन, है ना। तो आपको पीक से ही देखना है कि भाई साहब पीक से कौन क्लोज है ना। पीक से जो ज्यादा क्लोज होगा वो बेसिक मतलब वो तो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। मैं लॉजिक मैं ना सिर्फ इतना लिख रहा हूँ पीक लॉजिक, मैं इसमें डिटेल में कोई नहीं लिख रहा हूँ कि जो पीक से ज्यादा क्लोज होगा वो ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, पीक ऐसा टाइप की भी हो सकती है जिसके बाद इंक्रीज हो रहा है ऐसा इस तरफ और इस तरफ, और जिसके बाद डिक्रीज हो रहा है इस तरफ है ना। राइट, तो यू आई कैन नॉट अप्लाई से एनीथिंग इन कॉमन कि अच्छा पीक लॉजिक के बाद जो क्लोज होगा तो ये होगा, फिर पार होगा तो ये होगा, वो कुछ नहीं है ना। बस इतना है कि पीक लॉजिक अप्लाई करके दिमाग लगाना बस। Now guys, let's plot a graph of cos x. If you can access your net or your booklet ना, तो आपको ना ग्राफ सारे खोल के बढ़ जाना, ठीक है। जितने भी ग्राफ्स आप लोग के पास है ना, y is equal to sine, cos, tan, 6 trigonometric functions जो है ना, उन सब के ग्राफ्स आप लोग खोल के बैठना, क्योंकि आप लोग को बस मैं ग्राफ sine, cos और tan का बताऊंगा है ना, और बाकी ग्राफ्स का एकदम डिटेल में लॉजिक में बताऊंगा। बस मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूंगा कि इसी तरीके से आगे भी ग्राफ्स प्लॉट किए जा सकते हैं, और मैं बाकी तीन ग्राफ्स तो आपको ऐसे ही बता दूंगा। देखो ये होता है, याद करो है ना। तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। जब साइन का कुछ ग्राफ बनाया जो इंफिनिटी तक जाता है, तो cos का भी ग्राफ बनेगा जो ऐसे इंफिनिटी तक चलते रहता है x x में, है ना। राइट, ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा एक चीज समझो गाइस, साइन के ग्राफ से ना कुछ मजेदार चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है। देखना दो इधर के लिए भूल जाओ, मैं आपको ये ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा और ऐसा है, राइट है ना। हमने जितने अलाइड एंगल फॉर्मूलास किए ना, अलाइड एंगल फॉर्मूलास, वो सारे साइन के ग्राफ को देख के आपको लगेगा कि अरे वाह सही है, परफेक्ट है। साइन के ग्राफ को देख के आपको लगेगा कि अलाइड एंगल फॉर्मूलास वाकई बिल्कुल सही है ना। राइट, और ग्राफ नेगेटिव में ऐसा होता है, मतलब स्मूथली कंटिन्यू करता है ग्राफ। तो गाइज अब मैंने आपको एक फॉर्मूला एक ये बताया था, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। गाइज बताया था कि नहीं, बोलो है ना, कि अगर कोई एंगल है थीटा और अगर कोई एंगल है 180 माइनस थीटा, तो दोनों की साइन वैल्यू सेम होगी। चेक कर लो गाइज, देख लो ये तो 90 है या पाई बाई टू है, 180 को पाई लिख दो, एक ही बात है। अगर मैं कोई एंगल ले लू थीटा और उसकी वैल्यू देखो, और ये थीटा लिया और मैंने 180 में से थीटा कम कर दिया, तो इतना भी डिस्टेंस सेम ही होगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगा ना,
ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा, और अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ग्राफ एकदम सिमेट्रिक है, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम लेवल पे होंगे कि नहीं बोलो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दिख रहा है आपको ग्राफ से, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा है ना, राइट। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, गाइज ये बताओ पाई प्लस थीटा तो पाई के थीटा बाद में आएगा ना, अब वो उतना ही नीचे चले जाएगा कि नहीं जितना ये ऊपर गया था, तो जितना ये वाली साइन थीटा की थी उतनी वाली नेगेटिव में साइन थीटा आएगी ना, दैट इज व्हाट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यू वांट टू वेरीफाई ऑल द अलाइड एंगल फॉर्मूला, यू कैन वेरी स्मूथली वेरीफाई साइन ऑफ माइनस थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, क्योंकि जब पीछे जाओगे जितना उतना ही एंगल पीछे जाओगे तो आंसर उतना ही नेगेटिव मिलेगा जितना ये पॉजिटिव में मिला था। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये सारे चीजें यू कैन वेरीफाई है ना, कॉस में भी कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई ऑल द अलाइड एंगल का फॉर्मूलाज ऑल फॉर विद द हेल्प ऑफ जस्ट ग्राफ है ना, सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हो ग्राफ से। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा तो बहुत ही अच्छे से दिख जाता है ना। ओके गाइस लेट अस स्टडी दिस, y is equal to cos x का ग्राफ देखते हैं। अभी सेम स्टोरी है, एक यूनिट सर्कल लेंगे हम, और यूनिट सर्कल पे हम देखेंगे कि cos x एक x वैल्यू लेंगे है ना, और इस पॉइंट को ट्रेस करेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट cos x और sin x है ना, y कोऑर्डिनेट sin x है। तो हम इससे मतलब है अभी पॉइंट p का क्या ट्रेस होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें cos x के ग्राफ से मतलब है sin से नहीं। तो नाउ वी विल ट्रेस व्हाट, हम x कोऑर्डिनेट को ट्रेस करेंगे एंड वी विल सी हाउ द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग व्हेन वी इंक्रीज x एंड देन व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट। तो हम बाद में पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव में बना देते हैं, फिर नेगेटिव में हम ऑफ कोर्स देख लेंगे स्मूथली बन जाएगा और फिर वेरीफाई भी कर लेंगे राइट। ओके तो जब मैं एंगल को जीरो पुट करूंगा जीरो, तो ये पॉइंट इधर होगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0 गाइस। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द इनिशियल x कोऑर्डिनेट गाइस बोलो, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो x cos x की वैल्यू क्या आती है, वन ही होती है ना, ऑफ कोर्स तो पता भी है आप लोग को। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू जीरो होगी ना, x की वैल्यू जीरो, तो ये भाई साहब cos x तो कहीं पीक पे होगा अपने वन पे, समझ में आ रहा है आप लोग को, cos x वन पे होगा है ना ये। उसके बाद गाइस नाउ जस्ट टेल मी, जस्ट ट्रेस द x वैल्यू ऑफ पॉइंट दीस पॉइंट्स, just try to trace the x values of this point, what is happening to the x value, just tell me, is it increasing or it is decreasing, just type increasing or decreasing bolo, it is clearly decreasing hai na, right, dikh raha hai aapko x coordinate abhi kam hota ja raha hai na, x coordinate bahut kam ho gaya, ab ye aisa 90 tak pahunchoge to x coordinate to yaar zero hi ho jayega है ना। तो बेसिकली ये ग्राफ 90 तक पहुंचने में जीरो पे पहुंच रहा है, आपको पता भी है cos 90 जीरो होता है, ये तो क्या है सीधी सी बात है, cos 90 ये वैल्यू 9π/2 है ना, π/2। ओके गाइस उसके बाद क्या हो रहा है, p पॉइंट्स को बोलो, p पॉइंट जब इधर पहुंचेगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हुआ क्या, जस्ट ट्रेस द x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया और ये x कोऑर्डिनेट 180 तक पहुंचते टाइम ये एटमोस्ट एकदम मैक्सिमम नेगेटिव बन गया, सही है कि नहीं, मैक्सिमम नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है कि नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा, तो मैक्सिमम नेगेटिव हो गया x कोऑर्डिनेट व्हिच इज -1, क्लियर। अच्छा अब जैसे ये डिक्रीज हुआ था वैसे स्मूथली उतना ही पार्ट ऐसे ही डिक्रीज होकर ये पीक पे आ जाएगा है ना, ये पीक आ जाएगा। ये हो गया, उसके बाद मुझे बताओ कि जब आप और नेगेटिव मतलब x की वैल्यू और बढ़ाओगे है ना, अच्छा ये वैल्यू तो पाई होगी ना, ये वाली सबको समझ में आ रही है, पाई होगी 180 डिग्री। ओके अब मैं 180 के आगे जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ होगी, जो एक्सट्रीम नेगेटिव थी उससे बढ़ रही है ना, अभी राइट में मूव कर रही है x वैल्यू, ये x वैल्यू बढ़ के लेट्स से इट इज गोइंग अप टू वापस 0 है ना, इट इज गोइंग टू 0 अगेन and then it is increasing and reaching its peak, समझ में आ रहा है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करके वो x कोऑर्डिनेट वापस मैक्सिमम पॉजिटिव हो गई, समझ में आया राइट। सो इसके बाद ये ऐसा हुआ
and then afterwards it is reaching its peak again. So the x coordinate is maximum, which is minus one. देखो ग्राफ कैसे प्लॉट किया ना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग तो बहुत बात में आता है यार, 12th में आता है कि आपको रैंडम कोई फंक्शन दे दो उसका ग्राफ प्लॉट करोगे, डिफरेंशिएशन वगैरह सब करके आता है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, वो भी 12th में जस्ट हुआ है। तो अभी ये सब चीजें तो हम बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन बस कैसे आया वो छोड़ दो, बट फील तो आ रही है ना कि ग्राफ आता है। यस बिल्कुल आता है राइट। तो ये पाए है और ये पाए, ये वैल्यू जो होगी ना और 90, तो 3π/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 4π/2, मतलब 2π बोल दो यार। और उसके बाद कुछ रुकेगा थोड़ी ना ग्राफ, जैसे स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से 0 से वैसे ही वापस कंटिन्यू होगा ग्राफ। द ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। अब आप अपनी पेन उल्टी चलाओ, ऐसा चलो, और फिर उसके बाद आप स्मूथली बना दो पीछे भी ग्राफ यार। द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स इज रेडी। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। रेंज में सेम स्टेटमेंट्स आर वैलिड, रेंज के मामले में सेम स्टेटमेंट्स आर वैलिड, ठीक है राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। वी विल ऑल्सो तो फर्स्ट ये जो कुछ स्टेटमेंट्स है ना रेंज वाले, रेंज ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स इज -1 to 1 ओनली, है ना, -1 to 1। Yes, very good. The range of cos x -1 to 1 आ गया है ना, आप सुनो राइट। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दिस के गाइज cos x के -1 से आने हो, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं ना हम के व्हाट इज द रेंज ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x+1 लेट्स से इज ऑल्सो -1 to 1, लेकिन -1 to 1 इसका मतलब -1 से 1 तक सारे वैल्यूज ले पा रहे हैं राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता x के अंदर कोई भी इनपुट डाल दे, cos of 3x, cos of 7x+2, इन सब की रेंज -1 से 1 ही आने वाली है, as long as इन अंदर सारे वैल्यूज आ रही है ना, इसकी रेंज तो चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया गाइस आप लोग को? ओके नाउ ये एक चीज। उसके बाद यू वांट टू वेरीफाई सर्टेन अलाइड एंगल्स, लेट अस वेरीफाई। Can you see cos of minus theta is equal to cos theta? ये आप लोग है ना खुद से देखो ग्राफ में, समझ आ रहा है क्या? कुछ एंगल आगे जाओ, कुछ एंगल पीछे जाओ और cos की ग्राफ देखो, समझ में आ रहा है ये? ग्राफ को देख के ओरिजिन से आप अगर थीटा एंगल आगे जाओगे तो ये वैल्यू आएगी cos, ये पॉइंट आएगा, और उतना ही एंगल पीछे जाओगे तो भी यही पॉइंट आएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा। दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं बोलो, उस दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं? तो अगर दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है तो cos की वैल्यू सेम हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट ही तो cos वैल्यू है, सी y = cos x ही है ना राइट। ग्राफ पे तो हम y कोऑर्डिनेट देखेंगे ना cos के लिए, है ना राइट। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? x वर्सेस cos x का। पिछली बार हमने बनाया था x वर्सेस sin x का, है ना राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस cos x। y values will give you cos के output, unit circle वाली कहानी खत्म, उसकी help लेके हटा दिया हमने, ठीक है right? समझ में आ रहा guys? बोलो, are you able to verify this cos of pi minus theta is equal to minus cos theta? क्या इसको verify कर दिया आपने? बोलो, है कि कुछ angle आप आगे जाओगे ना theta, और आपने pi से उतना ही angle पीछे किया, let's say pi minus theta, मतलब 13 degree और जीरो से आगे गया, 3 डिग्री पाई से पीछे गया, तो सप्लीमेंट्री हुआ ना। तो जीरो से आगे और पाई से पीछे गया, तो ये वाला जो मतलब जैसा ये डिग्रीज हुआ था वैसे ये यहाँ पे ऐसा आया था, तो ये जो एंगल होगा उतना ही ये एंगल उसी का नेगेटिव होगा। ये अगर 0.7 है तो ये भी -0.7 होगा, इसलिए वेरीफाई भी हो गया, है ना। ये सब ग्राफ से देख के वेरिफिकेशन हो जाते हैं इसके, है ना। तो रेंज भी कर लिया। नाउ गाइस डू यू वांट टू डू दिस कंपेयर? बस इतना कर लो, cos of 1, cos of 2, up till cos of 7. अच्छा comparison होगा ये। Just do it fast. I'm giving you 5 minutes. Then we'll move tan to tan का graph.
हो रहा ही है ठीक है। तो कॉस के लिए ना अब 1 2 3 4 5 6 ना और 7 तो बस इतना ही इनफ है कि 0 से सॉरी साइन का बना दिया मैंने वन सेकेंड। तो ग्राफ तो हमने सही मतलब ग्राफ तो हमने यही लेना है बट उसको सेपरेटली बनाते हैं ना कॉस का ये अरे यार फिर से साइन व्हाट वन सेकेंड ये 0 पाई 2 पाई हो गया और 2 पाई के बाद भी होगा बट ठीक है चलेगा है हमने पीक से मतलब बट ठीक ओके। 0 पे वैल्यू ये है ये 1.57 है पाई बाई 2 ये आपको पाई बाई 2 दिख रहा है ना 90 तो ये कहीं 1 होगा लो 1 ही है बस यहाँ पे उसके बाद सारे 1 2 3 4 है ना ये आपका पाई है ना ये लोअर पीक जो है वो पाई है याद रखना ठीक है। हर इतना पार्ट जो होता है वो पाई बाई 2 बढ़ता है पाई बाई 2 पाई है ना राइट। तो मुझे बताओ अगर 1 इधर है तो 2 तो कहीं इधर होगा है ना 2 इधर होगा ओके फाइन 3 किधर होगा 3 भी का इधर ही होगा 3 मतलब एक्चुअली एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे 2 और 3 ओके ये मिल गया 1 पे मिल गया है ना। अब देखो 1 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है 2 3 के साथ क्योंकि 2 3 तो नेगेटिव है ना y और y और देखो ये सब नेगेटिव है ना। अच्छा 4 की बात होगी 4 की 4 जो है ना वो पाई के बाद आएगा ना वापस सेम कंपैरिजन मुझे बताओ ये पाई है ये पीक है ना राइट दिस इज माय पीक राइट। अब ये 3.14 से 3 बहुत ज्यादा क्लोज है बहुत ज्यादा और 3.14 से 4 तक जाओगे तो थोड़ा दूर हो जाएगा लेकिन 3.14 से 2 काफी दूर है तो मैं 4 इसको इधर प्लॉट करूंगा कहीं पे 4 को समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच में प्लॉट करूंगा है ना तो ये वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी है ना। अच्छा ये वैल्यू क्या थी पता है 3 pi by 2 so this was basically 4.71 याद आ रहा है 4.71 अच्छा इसके बाद 5 होगा तो बस बेस्ट है अभी इनकी तीनों का कंपैरिजन खत्म हो गया अभी जब 5 आएगा ना 5 वो यहाँ पे कंपैरिजन होगा। अब मुझे बताओ ये पीक वैल्यू क्या है गाइस बोलो ये है 2 pi और ये 0 है 0 से 1 जाने में जितना ड्रॉप होगा वो 1 का ड्रॉप होगा 2 pi है ना वो 6.28 है ना ये 6.28 तो 6.28 से 5 जाने में कितना ड्रॉप होगा है ना 5 1 पॉइंट से ज्यादा का ड्रॉप होगा ना तो 5 की वैल्यू इधर होगी है ना। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छी बात है ये थोड़ी सी अच्छी क्या मतलब उसका ऑब्जर्वेशन कोई बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ठीक है ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी पीक का लॉजिक लगाएंगे तो पीक वॉज 2 pi पे और 2 पाई की वैल्यू 6.28 होता है ना। अब ये पीक 0 पे अब यहाँ से इधर आ जाओगे ना आप लेट से तो यहाँ से आपने 1 का ड्रॉप किया है बट यहाँ से आप 1 से ज्यादा का ड्रॉप करना चाहोगे ना तो जाके 5 पे पहुंचोगे आप है ना तो जाके आप 5 पे आ जाओगे करेक्ट ना क्योंकि 6.28 से 5 तक 1.28 का डिफरेंस होगा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ 6.28 से जब 6 पे आओगे तो बहुत कम ड्रॉप हुआ ना बहुत कम ड्रॉप हुआ राइट। अब ये ड्रॉप और ये ड्रॉप की बात करते हैं ना ये तो 1 का ड्रॉप है ये तो 0.8 का ही ड्रॉप है तो ये तो काफी ऊपर हो गया इससे है ना कि तो 6.28 का ये है ये पॉइंट इसका है ओके 1 2 3 4 5 6 का प्लॉट कर दिया आपने 7 को भी प्लॉट करते गाइस 7 का तो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है ये तीनों से कंपैरिजन है 7 का है ना। नाउ 6.28 से आप 7 पे जाओगे चलो ये 7 है लेट्स से अब कितना जाना देखते हैं ना है? ये तो सिंपल है कि 6.28 से इसका जो ड्रॉप है उससे ज्यादा का ड्रॉप होगा 7 का। अब 6.28 से जो 5 का ड्रॉप जब 5 तक पहुंचोगे और 6.28 तक 7 तक पहुंचोगे तो इससे तो ऊपर होगा ना लुक एट दिस ये 1 का ड्रॉप है ना है ना है? तो अब मुझे बताओ कि 7 के लिए क्या करूं बोलो है ना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट करता हूँ ये है लेट्स से मतलब लेट अस प्लॉट दिस लाइन हॉरिजॉन्टल ये इधर है ये लेट्स से इधर है ना और ये इधर है
तो समझो कि ये लाइन वन है, ये लाइन टू है और ये लाइन थ्री है, तो सेवन की लाइन में किधर प्लॉट करूं मुझे बताओ, सेवन की वैल्यू में किस किसके बीच में प्लॉट करूं, वन और टू के बीच में कि टू और थ्री के बीच में, बोलो। ये तो हमने देख लिया ना कि ये तो सिक्स है ना, देखते चलो है ना। देखो हमने पीक देखा था 6.28, तो 6.28 से 6 तक पहुंचना बहुत क्लोज है, बट 7 तक पहुंचना ज्यादा है, तो 3 से तो कम ही होगा। अभी हम कंपैरिजन करते हैं 2 से, तो 6.28 से आप 5 तक पहुंचोगे। गाइस लुक एट दिस, सेकंड की लाइन किसकी थी, एक सेकंड, हाँ सेकंड की लाइन तो इसकी है, तो ये यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये तो 1 का ड्रॉप है, बट 6.28 से आप 7 पे पहुंचोगे तो 1 का ड्रॉप नहीं होगा, तो 2 से 3 के बीच में ही रहना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है गाइस, यू हैव टू बी बिटवीन 2 एंड 3 है ना। तो ये 7 की लाइन होगी, मैं बताया था ना आपको थोड़ा सा अच्छा कंपैरिजन होगा यहाँ पे है ना। तो 7 की लाइन ये होगी बिटवीन 2 एंड 3, समझाए राइट। तो नाउ वी हैव द आंसर, कि द हाईएस्ट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला है 6, cos of 6 degrees, द टॉप मोस्ट इज cos of 6 degrees। अच्छा उसके बाद आता है वो वाली लाइन, कौन सी, 7 वाली, cos of 7 degrees, और फिर उसके बाद आ रहे हैं ये वाली क्या है, cos of 1 degrees। लो देखो 6 7 1 कैसा रैंडम ऑर्डर आ रहा है ना, ये 1 और उसके बाद ये वैल्यू है, कौन सी, cos of 5 degrees, greater than cos of 5 degrees। फिर उसके बाद जो भी ना 4 2 और 3 ये सब नीचे है ना, तो हमने ये देखा था कि उसके बाद, अच्छा हमने हाँ ये पॉइंट नीचे प्लॉट किया था ना थोड़ा सा, नहीं ये पॉइंट हमने 4 को ऊपर प्लॉट किया था, याद करो 3.14 से 2, वन सेकंड नहीं, और 4 को किधर प्लॉट किया था, 4 को नीचे प्लॉट किया था, यस 3.14 से 2 कहीं ज्यादा ही पीछे जाएगा ना, है ना, तो 4 को हमने इन दोनों के बीच में प्लॉट किया था, यस। तो उसके बाद आएगा cos 2, फिर आएगा cos of 4, और फिर आएगा cos of 3, तो 6 7 1 5 2 4 3, ये ऑर्डर या तो इसका उल्टा ऑर्डर, जिसका भी मैच कर रहा है वो बिल्कुल सही है ना, मतलब आप इंक्रीजिंग बोलोगे या डिक्रीजिंग बोलोगे है ना, समझा क्या, 6 1 7 9 6 7 1, 5 3 4, 5 3 का से आया यार, 3 का से है ना, 5 2 4 3, 5 2 4 3 ना, सही है, नहीं यार किसी का भी सही नहीं आया यार आप लोग का। ओके गाइस बोलो, मतलब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं आया सही या मिस्टेक समझ में आ गई तो फाइन। डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, हाँ बस ये है कि आपको खुद से करना चाहिए अभी, राइट ठीक है, तो आपको रैंडमली खुद से भी करना है, मैं आपको रैंडम कोई दो वैल्यूज दे सकता हूँ, साइन 13 डिग्रीज और साइन 17 डिग्रीज, कुछ भी, तो आपको 13 को कोई प्लॉट करना है, 13 जो आएगा ना वो 2 पाई के बाद में आएगा कहीं तो, है ना, 2 पाई भी नहीं सॉरी 4 पाई के भी बाद में आएगा, तो थोड़ा सा ग्राफ आके बनाना पड़ेगा। 17 भी देखोगे आप, फिर उनके आपस में जो आसपास में जो पीक्स होगी उससे कंपैरिजन करोगे, तन में किस में डाउट है बोलो, किन दो कंपैरिजन में डाउट है, मैं प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मैं पूरा थोड़ी ना करूंगा एक्सप्लेन, मैंने बताया आपको क्या भी पीक्स देखना है, पीक्स है ना, यू जस्ट स्टार्ट टू सी द पीक्स, पीक से कितना फॉल हो रहा है देखना है ना, राइट। इसका पीक 6.28 है, 6.28 से 7 का फॉल आप देखोगे ना तो पॉइंट, मतलब देखोगे तो ये 7 सपोज 0.72 का फॉल है ना, राइट, लेकिन यहाँ से यहाँ का फॉल जो है ना वो 1 का फॉल है, तो 1 का ज्यादा फॉल होगा और 7 का कम फॉल होगा है ना,
6.28 से 6 का फॉल तो बहुत ही कम है, 6 तो सबसे क्लोज हो गया इस पीक से, फिर उसके बाद 6.7 क्लोज हुआ, फिर उसके बाद 1 क्लोज मतलब 1 का फॉल देखोगे, और फिर उसके बाद 6.28 से 5 का फॉल आएगा, है ना। 6.28 से जो क्लोजेस्ट होगा वो हाईएस्ट होगा, इतना हमने देख लिया। 6.28 से जो क्लोजेस्ट होगा इन तीनों में वो हाईएस्ट होगा, तो 6.28 से क्लोजेस्ट पहले 6 है, फिर 7 है और फिर 5 है इन तीनों में, राइट। और तीनों के फॉल्स देख लिए आपने कितने हैं, और जिसका ज्यादा फॉल होगा वो ज्यादा नीचे होगा, और सिमिलर फॉल इधर भी आएगा, तो इसका फॉल तो 1 है, इसका फॉल अगर 1 है तो ये ज्यादा फॉल होगा इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का फॉल 1 नहीं है, ये 6.28 से 6 हुआ या 6.28 से 7 हुआ, इनका फॉल 1 नहीं है। हाँ, तो इन दोनों से ज्यादा फॉल हो गया तो इन दोनों के तो नीचे आएगा ये। उसके बाद 6.8 से 5 का फॉल तो बड़ा हो गया, 1 से बड़ा फॉल हो गया, तो ये इससे भी नीचे आएगा। तो ये चारों में कंपैरिजन हो गया आपकी ना, तो सिंपल ही थे वैसे भी। ओके, चलो फोटो सेंड। कॉसेक्स का ग्राफ हमने काफी डिटेल में देख लिया, ठीक है, राइट, रेंज भी देख लिया, और एक बहुत अच्छी चीज देखा कि साइन और कॉस दोनों की रेंज जो होती है ना वो 1-1 से 1 ही होती है ना। साइन एक्स की और कॉस एक्स की दोनों की रेंज जो है वो -1 से 1 होती है। इट्स अ साइन या कॉस की वैल्यू दोनों में से किसी की भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और दोनों में से किसी की वैल्यू वैल्यू 1 से -1 से कम भी नहीं हो सकती, ठीक है, राइट। तो फोर्थ, नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x, ठीक है, लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x एंड देन वी विल सी सम। देखो अब tan x का ग्राफ है ना, प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हम यूनिट सर्कल तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि यूनिट सर्कल में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप देखोगे ना तो tan नहीं मिलता है, सिर्फ cos मिलता है और sin मिलता है। तो हम क्या करेंगे ना, y इज इक्वल टू sin x बाय cos x के जैसा लिखेंगे, यूनिट सर्कल की हेल्प लेंगे, बट आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं मिलेगी, मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी पॉइंट के आप के पास जाओगे ना x, तो इस पॉइंट का p का जो साइन उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए cos x कॉमा sin x, ठीक है, है ना। अब सुनो, अब tan का ग्राफ बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, tan का ग्राफ बनाना है ना, लेट्स से, तो यू विल सी के व्हाट हाउ sin एंड cos इज बिहेविंग, है ना, क्योंकि इसमें sin और cos दोनों का रोल आएगा, समझ में आ रहा है, साइन का और कॉस का दोनों का रोल आएगा इसमें, तब जाके टैन का ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते कि कैसा होगा, है ना, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ये बिल्कुल गेस नहीं किया जा सकता कि ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ग्राफ को डिवाइड करने थोड़ी ना आता है ना, स्ट्रेट लाइन को कर्व से डिवाइड कर सकते हैं या कर्व को कर्व से डिवाइड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये जीरो है और ये लेट्स से पाई बाय टू है, तो एक चीज तो मैं क्लियरली बोलता हूं, जीरो से पाई बाय टू में, है ना, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई एम राइटिंग इन जीरो टू पाई बाय टू, है ना, राइट। जस्ट लुक एट द कॉस का ग्राफ एंड साइन का ग्राफ, या लुक एट दिस, क्योंकि ग्राफ इधर से ही आया है, तो ग्राफ को देख के बोलो, चलो इन जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स जो होता है और कॉस एक्स होता है ना, कौन इंक्रीज करता है और कौन डिक्रीज करता है, जीरो से पाई बाई टू में साइन एक्स इंक्रीजेस बोल सकता हूं क्या मैं, एंड कॉस एक्स डिक्रीजेस, यस और नो गाइस, जिस इतना बताओ, ग्राफ को देखो और आप लोग खुद बोलो मुझे ये सही है कि नहीं, जीरो से पाई बाई टू में कॉस की वैल्यू तो कम होते जाती है ना, क्योंकि कॉस अपने पीक से आके जीरो पे आता है और साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है, यस और नो बोलो, है ना, यस, है ना, साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है, कॉस की वैल्यू कम होते जाती है। अच्छा अब जस्ट इमेजिन गाइस, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब आप जीरो पुट करोगे, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आएगी बोलो, जीरो अपॉन वन, तो ग्राफ तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, है ना। Now just imagine, numerator क्या है, बर्ड आए
और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा गाइस? ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर मैंने एक नंबर लिया 10 और 10 के नीचे 1 डाला, 10 के नीचे 2 डाला, 10 के नीचे 3 डाला, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो जब डिनोमिनेटर अब बढ़ता है ना, बढ़ता है तो वैल्यू और छोटी होती है, या डिनोमिनेटर जब कम होता है तो वैल्यू बढ़ते जाती है, राइट? एक ये स्टोरी है। और अगर डिनोमिनेटर को 7 रख के ऊपर 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो क्या? ऑफ कोर्स बढ़ रही है वैल्यू। तो आपको सीधी सी बातें समझ में आता है ये चीज कि जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ना शुरू होती है। या फिर सेपरेटली डिनोमिनेटर को कॉन्स्टेंट रख दिया और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो भी वैल्यू बढ़ती है, यानी और इसका उल्टा भी ट्रू है ना, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है गाइस, बोलो? जीरो से पाई बाय टू में क्या हो रहा है? जीरो से पाई बाय टू में यार ये साइन भी बढ़ रहा है और कॉस भी कम हो रहा है, तो बोथ आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टैन। यस और नो गाइस, बोलो? है ना? Therefore, can I say के tan x also rapidly increases? क्योंकि यार किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को आप बढ़ा रहे हो और साथ में डिनोमिनेटर को भी छोटा कर रहे हो, वेरी नाइस। तो फिर तो दोनों चीज एक ही काम कर रहे हैं कि वैल्यू बढ़ा ही रहे, न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना? तो ग्राफ ऑफ tan x is going to increase rapidly. अभी देखते हैं, है ना? और आपको पाई बाय टू तक इंक्रीज करना है। अब गाइस मुझे ये बताओ कि एज एक्स अप्रोचेस पाई बाय टू, साइन एक्स किसको अप्रोच करता है, बोलो? साइन एक्स किसको अप्रोच करता है? एक्स की वैल्यू जब पाई बाय टू के आसपास आएगी तो साइन वन को, वेरी गुड। लेकिन कॉस जीरो। यार ये गड़बड़ हो रही है, पता है आपको क्या गड़बड़ हो रही है? कि यार ये जो साइन जो है वो वन तक जा रहा है, बट यार ये कॉस जो है ना वो डिनोमिनेटर जीरो होते जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर जीरो के आसपास जा रहा है। अब गाइस लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। कोई एक नंबर ले लो वन न्यूमिनेटर में, लेट्स जस्ट इमेजिन, और वन के नीचे मैंने एक नंबर डाला 0.1, फिर वन के नीचे वैल्यू डाला 0.001, फिर 1 के नीचे मैंने वैल्यू डाला 0.00001 एंड सो एंड सो ऑन, 1 के नीचे मैंने 0.00 डाल दिया। इसकी वैल्यू बताओ क्या है? ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 1000 है कि नहीं? ये वैल्यू जितने भी 1 2 3 4 5 6 6 जो भी 5 एंड सो एंड सो ऑन। आपको क्या ये समझ में आ रहा है गाइस कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आप अगर बहुत छोटी करते जाओगे ना, डिनोमिनेटर जब एकदम स्मॉल बहुत छोटा सा होगा तो ओवरऑल वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज एब्रप्टली। मतलब ये देखो, ये तो 10 हो गया, ये 1000, ये 10,000, ये 1 लाख, ऐसे करते करते वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? और यही चीज हो रहा है कि ना, इधर साइन एक्स तो 1 की तरफ बढ़ रहा है ना, साइन एक्स तो बढ़ते जा रहा है, ये 1 भी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा 0.8, 0.9, 0.7, 0.99। साइन एक्स इज ट्राइंग टू बिकम 1, बट ये cos x तो जीरो बनने की कोशिश कर रहा है। कभी भी चीज को जीरो बनने की कोशिश करते हैं ना तो आंसर किधर जाता है, ठीक है? As the denominator goes to zero, fraction या रेशियो goes to infinity। समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, क्योंकि कॉस 90 पे तो एग्जैक्ट जीरो बन जाएगा और 90 के जस्ट पहले कॉस की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्मॉल, तो ओवरऑल वैल्यू भी एक्सट्रीम लार्ज होगी, है ना? राइट, समझ में आया है? तो बेसिकली हम क्या कर सकते हो, ये पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू को इन्फिनिटी पे प्लॉट करनी है। तो ग्राफ कैसा होगा पता है गाइस? यू डू नॉट नो वॉट इज हैपनिंग एट पाई बाई टू, है ना? ये ग्राफ बहुत ही मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। You do not know what is happening at pi by 2. क्यों? क्योंकि क्या आप pi by 2 वैल्यू पुट कर सकते हो क्या tan में? नहीं ना, because exact zero बन जाएगा ना denominator. Denominator में exact zero allowed नहीं है, but zero से छोटी वैल्यू रखेंगे ना, जो भी zero just छोटी वैल्यू रखेंगे zero से close, तो वैल्यू infinity है। समझ में आया है? Right.
अब ऑफ कोर्स ये ग्राफ है ना अचानक बहुत ज्यादा लेवल का बन जाता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि अगर ये 12th वाले बच्चों को भी आप समझाओगे ना प्रॉपरली तो भी उनको समझ में नहीं आता है। बस अब क्या है ना, इसके बाद क्या करना है कि एक बार अगर समझ में आया था ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो याद कर लो इसको, है ना, ये तो इट गोज टू इंफिनिटी। एक्स की वैल्यू जब आप पाई बाय टू रखोगे ना तो वाई की वैल्यू जो है ग्राफ की वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, राइट। एंड इट विल नेवर रीच इंफिनिटी, मतलब सॉरी ग्राफ विल नेवर बी एट पाई बाय टू, पाई बाय टू पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, बस चलते जाएगा ग्राफ ऐसा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नहीं, राइट। अब देखो इतना ही डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट था कि बाद में आगे के ग्राफ तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, आगे का पोर्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा डाइजेस्ट, और करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है ना, अचानक नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा ग्राफ और ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। यू आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू व्हाई बिकॉज़ इट इज गोइंग मच बियॉन्ड द लेवल, ठीक है, राइट। तो छोड़ दो उस चीज को, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू होगी आपकी, और ये देखो जब ये ऐसा एक वेव इधर बनाए ना तो ये वेव भी ऐसा ही पीछे बनेगा, ठीक है। तो इट इज बेटर दैट आप लोग इसके टैन के ग्राफ को ना रट लो, बिकॉज आप जैसा आप लोग का लेवल बढ़ जाएगा ना तो आपको ग्राफ में थोड़ा सा लॉजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी नहीं बट टाइम है उसके लिए, और अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर ग्राफ ऐसा आया क्यों, आप नई भी जब सीखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम स्मूथ जाने वाला है, बस आप ग्राफ रट लो, है ना। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में जो ग्राफ आता है वही रिपीट करता है पाई बाय टू से आगे जाओगे, तो ये जीरो पाई बाय टू पाई। अब देखो गाइज मैं ग्राफ में पॉइंट्स कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, जीरो है या पाई बाय टू है, पाई बाय टू के बाद पाई इधर है और ये वैल्यू क्या होगी फिर आपके पास, थ्री पाई बाय टू। फिर उसके बाद अच्छा ये ग्राफ ऐसे चले गया ना, अब ये वर्टिकल लाइन फिर जस्ट बाद से नीचे से स्टार्ट होता है और फिर ये ऐसा जाता है वापस ग्राफ, और ये वैल्यू जो होती है ना वो होगी फिर उसके बाद और 90 ऐड कर दो, 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई, एंड सो एंड सो ऑन द ग्राफ विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे पीछे यानी ऐसा किया ना आपने, इसके जस्ट बाद ऊपर से स्टार्ट करो और फिर से ऐसा ग्राफ बनाओ, है ना। ये अगर 0 ये माइनस पाई बाय 2 ये आ जाएगा माइनस पाई एंड सो एंड सो, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, मुझे तो ना टैन में कंपैरिजन तो सिर्फ इसका ही बताओ, टैन ऑफ वन, टैन ऑफ टू, टैन ऑफ थ्री और टैन ऑफ फोर, ठीक है, एक्चुअली इतना काफी है।
तो दिख रहा है आपको अभी, लेट अस प्लॉट इट ऑल हियर ओनली, है ना, 1 इज गोइंग टू बी बिफोर पाई बाय 2, है ना, समवेयर ओवर हियर वी हैव नो आईडिया, है ना, tan ऑफ 1, ओके 2 तो बाजू में आएगा, पाई बाय 2 के बाद आएगा 2, अच्छा 3 भी इधर ही आएगा, तो 2 और 3 में वी हैव नो कंपैरिजन गाइस, क्योंकि 2 और 3 की वैल्यू क्लियरली आपको दिख रही है कौन बड़ा है कौन छोटा, अच्छा 4 इधर आएगा, अब 4 का कंपैरिजन होगा, अब टैन में आपको पीक से कंपेयर नहीं करना है, आपको ये सब पॉइंट से कंपेयर करना है, ये ध्यान रखना है, साइन और कॉस में पीक से कंपेयर करना है, बट टैन में आपको हमेशा इस पॉइंट, क्योंकि पीक तो इन्फिनिटी, पीक है क्या आपके पास, पीक है क्या कहीं पे भी, नहीं ना, पीक तो इन्फिनिटी है, तो सीधी सी बात है आप ये सब पॉइंट से कंपेयर करो, कौन से जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट कर टच कर रहा है ना, ये 0 पाई व्हाटएवर है ना, तो अब सीधी सी बात है, मुझे आप देखोगे कि 0 से लेकर 1 तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1 का ड्रॉप नहीं बोल सकते, 1 का ये है ना पिकअप है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, और 3.14 से 4 तक जाओगे तो पिकअप उतना है क्या, नहीं ना, 3.14 से 4 और 0 से 1 में ज्यादा पिकअप इधर है ना, तो ये वैल्यू अभी भी नीचे होगी इसके, और ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होगी, समझ में आ रहा है, ग्राफ पे क्लियरली दिख रहा है कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो द हाईएस्ट वी हैव इज अगेन tan ऑफ 1 एंड देन वी हैव इज tan 4 एंड देन वी हैव 2 और 3 और 2 और 3 में 3 बड़ा है क्योंकि 3 ऊपर है एंड देन वी हैव tan ऑफ 2 1 4 3 2 everyone agreeing 1 4 3 2 या उल्टा उसका 1 4 3 2 या 2 3 4 1 गौतम गड़बड़ 4 बड़ा नहीं है ना कैसे 4 को सबसे बड़ा बोल दिया आपने है ना बाकी तो सही है 4 और 1 को स्विच कर दो 0 से 1 तक पहुंचने में जितना बड़ा हो गया tan के ग्राफ को उतना 3.14 से 4 पे पहुंचने में नहीं बढ़ेगा ना 3.414 है ना 3.14 से 4 तक पहुंचेंगे तो कम बढ़ेगा बट 0 से 1 में पहुंचोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा ग्राफ है ना राइट ग्रोथ देखो ग्रोथ किस में ज्यादा है एक्स की ग्रोथ देखो और सिमेट्री यूज करोगे ठीक है याद रखना ये चीज गाइस तो गाइस हमने ना अभी क्या किया देखो साइन के कॉस के टैन के सबके ग्राफ्स प्लॉट कर दिए साइन के कॉस के टैन के ग्राफ तो प्लॉट हो गए नेक्स्ट ओके तो अभी किसके किसके प्लॉट करने बोलो हमें हमें कॉट के प्लॉट करने हैं फिर सेक के कोजेक के है ना बाकी ये तीन भी बचे हुए लेकिन है ना उससे पहले मैं आपको ना y is equal to sin x and y is equal to cos x इन दोनों का ग्राफ एक ही स्केल पे बना के दिखाता हूँ और मजा आएगी देखना ठीक है राइट यहाँ पे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी सी चीज है ना राइट बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी देखना साइन का ग्राफ बनाओ ऐसे 0 से 2 पाई में बनाओ काफी है बस उसके बाद चीजें रिपीट होती है 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ठीक है 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा ठीक है ठीक है 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा ठीक है राइट ये है वैल्यू आपकी 0 ये वैल्यू है आपकी पाई बाय 2 ये वैल्यू है पाई
ये जो लोअर मोस्ट पीक है ये वैल्यू है आपकी 3π/2 और ये वैल्यू है 2π। अगेन गाइस, अब मैं ना इसी पे हमें कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, है ना, एग्जैक्ट सेम चीज पे मैं क्रॉस का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता कॉस का ग्राफ आप देखे हो ना कि कॉस का ग्राफ जो स्टार्ट होता है वो 1 से तो स्टार्ट होता है और 1 के बाद आपका ग्राफ डिक्रीज करता है पाई बाय 2 तक, है ना। इससे आपको ये समझ में आएगा कि किधर मीट करते हैं ग्राफ दोनों साइन और कॉस का, एक ये समझ में आएगा। और कॉस का ग्राफ, रिमेम्बर दिस गाइस, ऐसा होता है ग्राफ, है ना। कॉस का ग्राफ आप उठा के देख लो, ये कॉस का ग्राफ पाई बाय 2 पे 0 होता है, फिर और डिक्रीज करता है, फिर पीक अपना जो है ना पीक वो पाई पे पहुंच जाता है -1, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज कर जाता है कॉस का ग्राफ, फिर इंक्रीज करता है और 3π/2 पे वैल्यूज की 0 हो जाती है। चेक कर लो, जस्ट चेक द ग्राफ इंडिपेंडेंटली, है ना, राइट। और फिर उसके बाद जो है वो 2π पे फिर से वो 1 हो जाता है, फिर उसके बाद 2π पे जो वैल्यू है इसकी वो फिर से वो 1 हो जाती है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। डू यू सी कॉस एंड साइन का ग्राफ ऑन द सेम स्केल, डू यू फाइंड सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन यू टेल मी ऑन द ऑन वाई व्हाट इज दिस वैल्यू। और बहुत ही लॉजिकल लगेगा आपको, यस वेरी गुड, पाई बाय 4, 45 डिग्रीज, जहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। काफी लॉजिकल है क्या ये, बोलो भाई। साइन ऑफ 45 डिग्रीज और कॉस ऑफ 45 दोनों की वैल्यूज आपकी होगी कितनी, 1/√2, ये वाली तो 1 ही है, सही है ना, राइट, ओके, बस परफेक्ट, है ना, राइट। तो ये आपने देख लिया ऐसा है जो, राइट। उसके बाद देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच यू ऑल डू नॉट नो, क्योंकि अभी तक आप लोग ने बड़े एंगल्स को डील नहीं किया था ना ट्रिगो में पहले, है ना। तो डू यू सी वन मोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समवेयर ओवर हियर। अच्छा ये चीज समझो गाइस, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, ये यहाँ से 45 के बाद आया है, तो सिमिलरली ना एकदम ऐसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही सिमेट्रिकली इसके भी 45 के बाद आएगा और ये होगा पाई प्लस पाई बाय 4। ये वैल्यू है 5π/4, है ना, यस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए π/4 व्हिच इज 45 डिग्रीज एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5π/4 व्हिच इज 225 डिग्रीज व्हिच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से दोनों नेगेटिव होते हैं और दोनों की वैल्यू वापस से सेम हो सकती है और वो होती है -1/√2। क्लियर गाइस, ठीक है, राइट। एक अच्छा इसके बाद कहानी वापस रिपीट होगी, है ना, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा और 2π के पाई बाय 4 के बाद वापस मिलेगा, है ना। उसके बाद है ना है बेसिकली 0 + π/4, π + π/4, 2π + π/4, ऐसा करते जाएंगे, है ना, और ठीक है 2π + π/4 कितना होगा, 360 + π/4 कितना होता है, 405 degrees, पर ठीक है यार इससे मतलब नहीं है, 225 और 145 याद रखना आप लोग, ओके ये हो गया। अब इस चीज पे ध्यान दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे है पॉइंट्स जिसके पहले कोई बड़ा है उसके बाद कोई छोटा है ना, तो कैन यू जस्ट टेल मी के गाइस, ध्यान रखना ठीक है, मुझे अच्छे से बताओ कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस एक्स के लिए कहाँ कहाँ है, ना, राइट। मुझे बताओ कि पूरे ग्राफ में साइन कॉस से कब बड़ा है और कॉस साइन से कब बड़ा है, ना, तो अगर मैं एक रीजन इधर लिख दूं और इसका आउटपुट लिखूं साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स, तो मुझे बता सकते हो किस कौन से रीजन में ऐसा हो रहा है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है, ना। देखो साइन तो अभी कॉस से छोटा है ना इस रीजन में साइन तो कॉस से छोटा है, अब साइन ने ओवरटेक कर दिया कॉस को, है ना, पाई बाय 4 के बाद,
तो पाई बाय फोर के बाद आपने साइन ने कॉस को ओवरटेक कर दिया, तो पाई बाय फोर टू कितना लिखूं मैं बोलो? अब ये मैंने टू लिख रहा हूँ, टू बिकॉज आप लोग को कुछ एक चीज पता नहीं है वैसे, बट ठीक है बता दो, राइट? ठीक है, ये ऐसा लिखो, चलो x greater than equal to pi by 4 and less than equal to, मुझे बताओ साइन तो बढ़ गया ना, ओवरटेक कर गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, इसके बाद अभी वापस कौन से ओवरटेक करने वाला है, कहां तक? ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, 5 pi by 4 से 5 pi by 4 तक, समझ में आ रहा है गाइस? उसके बाद वापस कॉस बढ़ जाएगा साइन से, क्लियर गाइस? राइट, और उसके बाद मुझे बताओ के है ना, चलो बेटा गाइस, और साइन एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स कब होगा गाइस बोलो? मतलब साइन माइनस कॉस की वैल्यू नेगेटिव, मतलब साइन छोटा कब होगा? छोटा कब होगा गाइस बताए आपको साइन? इस रीजन में एक्चुअली, तो एक्चुअली एक्स जो होगा वो जीरो से पाई बाय फोर होगा, जीरो से पाई बाय फोर में, और उसके बाद साइन बढ़ गया, फिर उसके बाद वापस से साइन छोटा है, कहां से? 5 पाई बाय 4 से 2 पाई में, x इज ग्रेटर देन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई में। अच्छा गाइस, वी आर टॉकिंग ओनली इन 0 से 2 पाई, हम सिर्फ 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी देखो साइन जो है, नहीं सॉरी, कॉस जो है बड़ा है साइन से, बट वो नहीं दिख रहे हम आगे, वी आर टॉकिंग ओनली इन 0 टू 2 पाई, ओनली इन 0 टू 2 पाई, बस 0 से 2 पाई में ही बात कर रहे हैं, मैंने उसके आगे नहीं देख रहे हम, याद रखना, ठीक है? राइट, तो इसका मतलब ये है ना कि ये आपका जो 45 से 225 डिग्री में sin x minus cos x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और sin x minus cos x जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट? याद है गाइस, मैंने आपको एक तरीका बताया था sin x minus cos x को पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूफ करने का, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, है ना? राइट, तो उसमें यही होता है ना, राइट? आप वो वैल्यू और वो वाला मेथड और ये वाले मेथड्स को वेरीफाई करके देख लो, सही आता है क्या, है ना? राइट, तो अगर आप sin x minus cos x को देखोगे और रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू टाइम साइन ऑफ x माइनस पाई बाई फोर, x माइनस 45, तो जब x माइनस 45 करोगे ना तो ये वैल्यू जीरो से पाई हो जाएगी पूरे के पूरा रीजन, ये एक्चुअली 45 से 225 है, और इसमें से x में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो से 180 हो जाएगा, और 0 से 180 में साइन पॉजिटिव होता है, समझाए? राइट, तो ये सब चीजें एकदम परफेक्ट बैठेंगी आपके पिछले थ्योरी के साथ। तो यूजुअली बहुत सारे लोग है ना कॉस साइन के ग्राफ पहले ही बता देते हैं सेकंड थर्ड लेक्चर में कैसे बनाते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ लेवल टू बी इंक्रीज आफ्टर यू अंडरस्टैंड, राइट? वरना स्टार्ट से अगर ये सब चीजें आपको बता दी जाए ना स्टार्ट में ही सेकंड थर्ड लेक्चर में, तो आप ट्रिगो छोड़ दोगे, साइंस ही छोड़ दोगे शायद, ठीक है? ये सब चीजें अगर आपको स्टार्ट से बता दी तो, राइट? ठीक है, तो ये सब है बेसिक सी चीजें, बहुत ही स्लोली और बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, राइट? आपको ध्यान ज्यादा देना भी नहीं पड़ता है, अपने आप याद हो जाती है सब चीजें, ठीक है? राइट, अच्छा ये इतना जरूरी भी नहीं है, आप हमेशा ग्राफ बना के देख सकते हो कि कौन किसमें बड़ा है, ये नॉट रियली इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट, बट ग्राफ इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा ऐसा अच्छे से बनाना है ना, रैंडमली दो ऐसा बना दिया साइन का, ऐसा बना दिया कॉस का, दिख ही नहीं रहा कहीं मीट करते हुए, या कहीं मीट अगर इसमें नहीं, आपने सपोज कहीं ऐसा मीट करा दिया, यहाँ मीट करा दिया, थोड़ा सा आपको ऐसा रीजनेबली ग्राफ बनाना पड़ता है, आपने इसको नीचे लेके जाके इधर ही पीक लेके आ गया, पाई बाई टू का पीक लेके आ गया, नीचे वाली पीक पाई पे आती है कॉस की, ये सब चीजें थोड़ा सा रीजनेबली बनानी पड़ती है, ओके? अब मैं इसके बाद तो मैं ये बोलूंगा ध्रुव या फॉर एवरीवन के साइन कॉस और टाइम के ग्राफ समझ के अगर याद होते तो ठीक है, तो सीधी सी बातें रट लो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट रिमेम्बर द ग्राफ ऑफ साइन कॉस एंड टैन। अब आपको वैसे तो समझ, देखो वैसे भी रटना ही है, फाइनली रटना है ना, किसी को कोई आपको पूछेगा ना साइन कॉस और ग्राफ, कॉस का और टैन का ग्राफ, तो लॉजिक से बनाते नहीं बैठना है, ठीक है? राइट, बिल्कुल रखना है ना, बिल्कुल रखना है, बट हमने एक बार में समझ लिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने एक बार में समझ लिया कि कैसे आया था ग्राफ, अब उसको हर बार हम समझ के अप्लाई नहीं करेंगे, है ना? फाइनली हम रटेंगे ग्राफ को, ठीक है? बट अगर मुझे कोई ये पूछता है ना कि
कि कैसे बनाया था बताओ तो मुझे पता है, ठीक है राइट। मतलब ये आप लोग की स्टोरी बता रहा हूँ मैं, अगर कोई आपको जाके पूछता है ना कैसे बनाया साइन कॉस टैन का ग्राफ तो बोलना मुझे पता है, ठीक है राइट। लेकिन उस लॉजिक से हर बार हम नहीं करेंगे, कहीं क्वेश्चन आएगा तो लॉजिक लगाते बैठेंगे या यूनिट सर्कल बनाएंगे तो सोचते बैठेंगे कैसा था कैसा था, नहीं रटेंगे डायरेक्टली, वी विल रिमेम्बर द ग्राफ्स एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ वेरी रीजनेबली, है ना, पॉइंट्स पीक कहाँ आ रहे हैं वो सब ध्यान रख के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू साइन साइन कॉस टैन का। अब मैं आपको और तीन ग्राफ बता रहा हूँ, y is equal to cortex का ग्राफ, बिल्कुल आपको मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा इसके पीछे, क्योंकि यार छह लॉजिक क्या याद रखोगे, कुछ नहीं है, cortex का ग्राफ tan के जैसा ही एकदम सिमिलरली, ये चलते रहता है और लॉजिक वही है, लॉजिक मतलब नेचर वही है कि अगर किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी जा रहा है तो उसके जस्ट पहले नेगेटिव इन्फिनिटी से ये होगा, है ना राइट। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स, अभी कॉर्टेक्स जीरो के बाद इन्फिनिटी में पहुंच जाता है क्योंकि कॉर्ड में साइन नीचे आता है और साइन जीरो पे जीरो हो जाता है ना, तो यू हैव टू मेमोराइज, है ना राइट। यस, जीरो पे वैल्यू ये है, ये वैल्यू होती है पाई बाई टू, आपने देखा था टैन के केस में, ये वैल्यू होगी पाई, ये वैल्यू होगी थ्री पाई बाई टू, ये वैल्यू होगी 2 पाई, है ना। टैन से थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है, देखा जाएगा तो टैन के ग्राफ है ना थोड़े से शेप में ऐसे रहते हैं, मतलब आप देखोगे ना अब फिर से आप साइन और कॉस को कॉट और टैन को बनाओगे तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये ऐसा और फिर उसके बाद ये ऐसा ग्राफ बनेगा टैन का, जीरो से पाई, अच्छा पाई बाई टू में ही बनेगा, जीरो से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में राइट। तो टैन का ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेना, ठीक है। इवन आप टैन का ग्राफ बनाते टाइम भी आप देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू में एक वेव कंप्लीट कर देना टैन की और इसी को रिपीट कर देना, छापना यहाँ से यहाँ तक छापना फिर इधर से इधर छापना ऐसा, है ना राइट। ओके, तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ, ये वैल्यू आपकी माइनस पाई बाय टू होगी और ये वैल्यू होगी आपकी माइनस पाई, तो माइनस पाई है ना, कॉट का भी ग्राफ आपने देख लिया और बाकी कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं इसके बारे में, बस इतना कॉट का ग्राफ भी देना, ठीक है। साइन कॉस टैन के ग्राफ तो हमने देख लिए, मैं आपको सेपरेटली इसकी फोटो भेज रहा हूँ बिकॉज मतलब यू नो जस्ट टू गिव हिम इम्पोर्टेंस। एंड वैसे भी आई नीड स्पेस, नेक्स्ट साइन कॉस टैन कॉट सारे हो गए। अब देखो कॉट कॉट में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है क्योंकि कुछ बताया ही नहीं क्या दिखेगा प्रॉब्लम, मैंने सीधा बोल दिया आपको रट लो तो आप रट लो। अब साइन कॉस में आपको बताया कैसे बनाया ग्राफ कॉस टैन में। नाउ गाइस लिसन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका ग्राफ कैसे आएगा क्योंकि ये 1 अपॉन sin x है ना राइट। नाउ गाइस लिसन, इसका बनाने का एक ग्राफ बनाने का एक ट्रिक है, ठीक है राइट। कोसेक और सेक का ग्राफ बनाने का दोनों का एक कॉमन ट्रिक है, ठीक है। आप क्या करो, पहले sin x का ग्राफ बनाओ, आप पहले sin x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, और sin x का ग्राफ को उल्टा कर दो, है ना, वो भी थोड़ा सा अच्छे से उल्टा कर दो, ठीक है। sin x का ग्राफ ऐसे आप पूरा प्रॉपर मत बनाना बिकॉज हमें उसको उसकी जरूरत नहीं है, बाद में हमको इरेज करना है। ये बन गया आपका साइन एक्स का ग्राफ, थोड़े से आगे भी बन जाएगा और एक पीछे भी एक वेव बना लेगा, बस काफी है ना राइट। अब सुनो, ये अब जहां जहां जीरो हो रहा है ना साइन, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता है क्यों? साइन की वैल्यू देख रही है, ये जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यार ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, क्यों पता है? क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि साइन के अंदर जीरो बन गया तो कोसेक के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना राइट। तो गाइस लिसन, ये जो वैल्यूज है ना उस पे जैसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइंस, क्योंकि जब जब ग्राफ जीरो पे जाता है या जब जब डिनोमिनेटर जीरो पे जाता है तो ग्राफ का नेचर इन्फिनिटी की तरफ दिखता है, मुझे समझ में आ रहा है ये?
है ना, राइट? नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रटना है आपको ग्राफ, है ना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इस चीज को एकदम अच्छे से और एकदम 100% समझने की। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब होते हैं कुछ लोग जिनको पहले से थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है तो मुझे बताना ही पड़ता है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो आपको ग्राफ का लॉजिक नहीं समझे तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। फाइनली आपने देखा था वो ऑर्डर प्लॉट करने के लिए कोई ग्राफ का लॉजिक की जरूरत नहीं, ग्राफ की जरूरत थी, हमने ग्राफ देखा और एग्जैक्ट देखा कैसे पर। अच्छा आप सुनो, जहां जाए ये भी वही वैल्यू है जहां पे साइन जीरो हो रहा है, तो इसे वर्टिकल लाइंस प्लॉट कर दो। ओके, ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना वाला पोर्शन, इसको भी उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो कैसा आएगा, ऐसा उल्टा आएगा, तो ग्राफ ऑफ कॉट कोसेक एक्स इज समवॉट लाइक दिस, इसको टच करा दो। और ये ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों जगह साइन जीरो हो रहा है, जगह साइन जीरो होता है तो ग्राफ इन्फिनिटी पे जाता है, राइट? अब इधर क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको इधर उल्टा कर दो, सीधी सी बात है, and make it go to minus infinity now, right? ये वाले पार्ट को इधर उल्टा कर दो, बस ये वाले पार्ट को इधर उल्टा कर दो, मतलब साइन के ग्राफ को, साइन के ग्राफ के तो यही है ना, इतना ये, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, सेपरेटली सबको उल्टा करते बैठ जाओ, सिंपल सी बात है ना। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर कोसेक और सेक के ग्राफ, टच करना है ये सब वैल्यूज, है ना, राइट? कोसेक और सेक के ग्राफ को रटने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है? अब मैं क्या कराऊंगा देखो, सिमिलरली आई विल मेक यू रिमेम्बर, मतलब ये सबकी पीक्स जो है वो ऐसे ही है, ठीक है? नाउ गाइस लिसन, सिमिलरली आई विल मेक यू रिमेम्बर y इज इक्वल टू sec x के ग्राफ, राइट? cos x तो हो गया, अभी sec x का ग्राफ बनाने के लिए सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे हम सेम चीज करेंगे, एकदम एग्जैक्ट सेम चीज करेंगे। पहले हम cos का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और कॉस का ग्राफ जहां जीरो हो रहा है वो आप बोले कि अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि कॉस का ग्राफ जीरो होना मतलब सेक का ग्राफ इंफिनिटी पे जाना है, तो ये सारे वर्टिकल लाइंस प्लॉट कर देंगे जहां कॉस का ग्राफ जीरो होता है, ये ना ऐसा, इसको उल्टा कर दो। अब सुनो, ये दो वर्टिकल लाइन्स बीच में ही ऐसा है, उसको उल्टा कर दो, ठीक है? ये दो वर्टिकल लाइन्स के बीच में ऐसा है, इसको उल्टा कर दो। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो जो डॉटेड ग्राफ है ना, डॉटेड वो ग्राफ आपका कॉस का है, तो उससे हमें मतलब नहीं, वो उसकी तो हमने सिर्फ हेल्प ली है बनाने के लिए। एक्चुअल ग्राफ जो है वो जो सॉलिड लाइंस है ना उसका ग्राफ है ना, राइट? तो अगर जस्ट इमेजिन ये डॉटेड ला ग्राफ आप हटा दोगे तो ग्राफ ऑफ sec x इज लाइक दिस, ये ऊपर आया फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, इस चीज को रट लो। There are some observations. Observation बाद में देखते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? That's it. आज नहीं कराऊंगा कुछ भी। आप लोगों को काम मैंने आज के लेक्चर में आपको सिर्फ इतना काम दिया हो, खैर बहुत ही कम हुआ है आज, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए आज के लेक्चर में आप लोगों को काम सिर्फ इतना दे रहा हूँ, गाइज यू हैव टू मेमोराइज ऑल द ग्राफ, एकदम रटने के जैसा मेमोराइज करो, है ना? वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा अच्छे वाले ये पॉइंट भी तो प्लॉट करने पड़ेंगे ना, पीक वाले पॉइंट, ये पाई बाई टू होगा, ये वाला पॉइंट ये थ्री पाई बाई टू होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ साइन पाई होता है माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, तो बोलेंगे सर प्लॉट ही नहीं किया आपने पॉइंट, सही है? 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, काफी है ना गाइस? आप लोग का काम सिर्फ इतना है नेक्स्ट लेक्चर तक, परसों तक या व्हाटएवर, हाँ आई थिंक साइन कॉस के ग्राफ एकदम रट के आ रहे, ठीक है? मतलब एकदम प्रॉपरली, एकदम आपको साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक सबके ग्राफ आपको एकदम प्रॉपरली रटना है, ठीक है? राइट, मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन रटना कैसा है ना, प्रॉपरली स्केल पे, हाँ ये याद रखना,
मतलब साइन का ग्राफ को ऐसा नहीं याद करना है कि ऐसा ऐसा ग्राफ होता है, मतलब वो ऐसे में ऊपर कहाँ कहाँ होता है पाई बाई टू पे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू जब डिग्रीज पाई पे, फिर उसके बाद नीचे थ्री पाई बाई टू, ये थोड़ा सा अच्छे से याद करके आ रहा, ठीक है लो एकदम थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको है ना, तो तमीज से याद करके आना, ठीक है ऐसा नहीं कि मतलब एकदम आप ग्राफ बना दिया, हो गया साइन का ग्राफ, ये हो गया कोसाइन का, ये हो गया कॉस का, हो गया है ना, नेम द ग्राफ, ठीक है ग्राफ का नाम अच्छे से मतलब प्रॉपरली उसके वैल्यूज प्लॉट करना, ठीक है बस इतना ही काम है परसों तक, बाकी तो आप लोग ठीक है राइट। मैं आप लोगों को वन ए में से होमवर्क दे दूंगा अभी, वन ए वन बी वन सी में से, ठीक है राइट, वो मैं आज दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है चलो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके चलो बाय, टेक केयर, सी यू।